तू रोकेगा मेरे को मेरे को तू रोकेगा चलिया रोक ले बेटा oh, भाई, मारो मारो, मारो मारो, मारो। मुझे oh, no, 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 मुझे yeah. oh, नहीं ये मजाक oh, हो रहा है एक सेकंड oh, यार मजाक yeah, हो रहा है सो गाइज वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस और वट आर संडे इट वॉज भाई लिवरपूल वर्सेज न्यू कासल एब्सोल्यूटली अ मास्टर क्लास और बहुत मजा आया ऑब्वियसली वो मैच में नहीं देख सका बिकॉज मैं फंसा हुआ था हम बारसा फैंस जो हैं वो फंसे हुए थे बिलारियाल वर्सेज एफ सी बार्सलोना बट मैंने फिर एक्सटेंडेड हाईलाइट्स देखी उस मैच की और उसके ऊपर भी बात करेंगे ऑब्वियसली बारसाह के मैच के ऊपर भी हम बात करेंगे डिटेल के अंदर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोर थ्री फोर इज बैक लेट्स डिस्कस अबाउट न्यू कासल वर्सिज लिवरपूल मैच काफी हाई इंटेंसिटी मैच हुआ इट वॉज नेवर गोइंग टू बी ईजी अगेंस्ट न्यू कासल फॉर लिवरपूल अवे था ऑब्वियसली आपको पता है कि न्यू कासल एक अच्छी टीम फॉर्मेडिबल टीम बन चुकी हुई है टू बी वेरी ऑनेस्ट अच्छा एंड टू एंड मैच चल रहा था ठीक है चांसेस थे अंटिल दैट रेड कार्ड वेंडाइक डाइक को जो अर्ली रेड कार्ड हो गया उसके बाद अच्छे खासे, उससे पहले भी अच्छे खासे इवन स्टीवन चल रहा था, के पास भी दू, दू अच्छे थे फिर वहां पे और दोनों गोल पहले न्यूकासल का भी और ऑब्वियसली लिवरपूल का दोनों के जो वो है वो मिस्टेक्स है ट्रेंड की मिस्टेक थी जिसके अंदर गोर्डन ने स्कोर किया न्यूकासल के लिए वन जीरो उसके बाद जब रेड कार्ड हुआ वन जीरो हो गया न्यू के पास बहुत ऑपरचुनिटीज थी दे हैव ओनली टू देव वर्ल्ड क्लास सेव्स दो और स्पेशली वो दोन का एलिसन दैट्स इज वन ऑफ और मे बी बेस्ट गोल कीपर इन दर्ल्ड इज अ कंप्लीट गोल कीपर एप्सोलूटली वर्ल्ड क्लास यार वो जो अल्मेरॉन का था फिर अलमेरॉन ने एक समझ लिया बहुत ही इजी चांस मिस कर दिया और एक जो है वो पोस्ट के ऊपर हिट होगी तो वहां पे थोड़ी बहुत लक uh, था यहाँ पे लिवरपूल की बट लक हमेशा हमेशा फेवर करती है ब्रेव को राइट right? ये हमेशा हमने कहावत सुनी है और लिवरपूल की टीम क्लॉप की टीम चाहे वो डॉटमंड की थी डॉटमेंट अंडर क्लॉप थी या लिवरपूल अंडर क्लॉप है आर फाइटर्स डाउन है दे दी वेरी एंड और वो ऑब्वियसली न्यूकासल के पास ज्यादा चांसेस थे लेकिन चांसेस क्रिएट कर रहे थे वो भी दे वर ब्रेव इन राइट बिल्कुल लो ब्लॉक के अंदर नहीं बैठे हुए थे Newcastle ने अपने चांसेस नहीं लिए और जैसे ही दो चांसेस मिले एक मिस्टेक थी नुनियस यार क्या बेहतरीन दोनों फिनिश थी यार देखो फेरनटोरस रिडेम्पन सीजन ग्रिलिश का पिछला वाला रिडेमशन सीजन था और इस सीजन लग रहा है कि नूनियस का भी रिडेम्शन सीजन दो अपॉर्चुनिटीज बर्लियन फिनिशेस फ्रॉम डार्बिन और लिवरपूल टू वन विन

Uh, अब बारसा की बात कर लेते हैं यार बारसा जीत गई फोर थ्री uh, मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट हाफ के अंदर बिलारियाल वो बेटर टीम शुरू के दस मिनट में वो दो गोल स्कोर कर सकते थे पहले हाफ में वो तीन चार गोल स्कोर कर सकते थे और टू बी वेरी ऑनेस्ट पूरे मैच के अंदर पांच छह गोल स्कोर कर सकते थे वो अगर थोड़ी सी ज्यादा क्लिनिकल होती बिलारियाल uh, एक ऑफ साइड गोल भी हुआ लेकिन बाय द वे आई आई थिंक थिंक पता नहीं वो रिपोर्ट कर रही थी और मैं देख रहा था कि शायद जो ऑफ साइड था ठीक uh, है शायद वार ने कोई मिस्टेक किया लेकिन ये कंफर्म नहीं है लेकिन वो एक चीज हम उसको एक साइड के ऊपर रख देते हैं इट वॉज एन ओपन गेम ऑब्वियसली फोर थ्री था मैं बहुत दफा ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूँ और लोगों को कार्डिस के अगेंस्ट गिटाफे के अगेंस्ट स्पेशली लोग कह रहे हैं हम हराम बोल खेल रहे हैं बार्सोलोना जो है वो हराम बोल नहीं खेल रही लो ब्लॉक

ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हराम बॉल नहीं खेलती कुछ कलकास्को में बार्सलोना ने हराम बॉल खेली है बिकॉज प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे आ, कुछ बाकी और भी मैचेस में खेली होगी बट पहले दो मैचेस में बार्सलोना ने हराम बॉल नहीं खेली थी इट वाज बिकॉज ऑफ द अगर ग्यारह प्लेयर जो है वो बॉल के पीछे हैं तो आप क्या ही करोगे ऑब्वियसली आपको स्किल चाहिए टू बीट दैट लो ब्लॉक टू बी वेरी ऑन सबसे पहला बात डिफेंसिव एलिमेंट दिस फॉर्मेशन नॉट वर्क विद दीज प्लेयर्स ठीक है सबसे पहले इट वॉज नॉट फोर थ्री थ्री बाई द वे काफी लोग कह रहे हैं कि फोर थ्री थ्री थी इट वॉज नॉट फोर थ्री थ्री इट वॉज फोर टू थ्री वन ठीक है जिसके अंदर चार प्लेयर हमारे थे सर्जियो रोबोटो जो कि ज़्यादा आगे नहीं जा रहे थे ऊपर एप जो, जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर लेफ्ट इंटीरियर ही थे वो लेफ्ट विंगर नहीं खेल रहे थे लमीन याम राइट साइड के ऊपर वाइड खेल रहे थे वो ज्यादा इंटीरियर नहीं खेल रहे थे ऑब्वियसली फिर आपके पास फ्रेंकी थे दो डबल पेबेट गुंडोबोन राइट साइड के ऊपर खेल रहे थे और अप्रंट जो है वो लेमन

बहुत ज्यादा सपोर्ट किया चावो चावी को और मैं अभी भी कर रहा रहूं, हूँ करता रहूंगा लेकिन प्लीज अपना ये जो ऑब्सेशन है रोबोटो का इसको इसको खत्म कर दें रोबोटो प्रोवाइड्स नथिंग विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू रोबोटो इट्स अ फैक्चुअल थिंग ना वो ऑफेंसिवली कुछ कर रहे थे चले अलोसो ऑफेंसिवली कुछ तो कर रहे थे डिफेंसिवली वो भी हग रहे थे रोबोटो तो डिफेंसिवली ऑफेंसिवली कुछ नहीं कर रहे थे बस ये उनका रोल था कि बॉल आ गया तो वो अपने करीब बंदे को वो पास कर रहे थे वरना कोई रोल नहीं था अगर आप पहला गोल देखें तो उसके अंदर अलोन्सो जो है वो

लेफ्ट राइट विंग से उनको पता था रोबोटो और लॉन्सो खेल रहे हैं और वो फाड़ फाड़ के निकल फाड़ रहे थे वो मैं सीधी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि वो फाड़ रहे थे कोई भी टीम होती ना वो दस मिनट में शुरू के दस मिनट में क्लिनिकल होते ने भाई आपको बचा लिया दैट वॉज एब्सोल्यूटली टू वर्ल्ड क्लास सेव टर्सन कोई भी थोड़ी सी ओर करने की टीम होती रियाल पाइन सिटी ये दो तो तीन गोल आपको शुरू के दस पंद्रह मिनट में पड़ गए होते और आप कम नहीं कर सकते थे फिर ठीक है तो ये मेन चीज बता दूं आपको कि ये डिफेंसिव लाइन वर्क नहीं आई रियली होप कंसेलो अगर आएंगे आई नो लोग कहते हैं कि भाई वो डिफेंसिवली अच्छे नहीं है लेकिन कंसेलो रोबर्टो से तो अच्छा ही खेलेंगे राइट साइड के ऊपर ठीक है बाल्डे हमको चाहिए अब मैं बार बार इसलिए बार ये कहता हूं कि बाल्डे लोग ऑफेंसिव गेम के ऊपर बात करते रहते हैं भाई बैक इज वेरी इंपॉर्टेंट बाल्डे क्रिस्टनसन अराहो एंड कंडे आर वेरी इंपॉर्टेंट बाल्डे का जो डिफेंसिव गेम है वो उसकी कोई मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है ये बात समझ लें आप ऑफेंसिव वो अप्रूव कर सकते हैं लेकिन डिफेंसिव गेम चाहिए और जब ये चार बैक खेल रही होती है तो फ्रेंकी और रोमियो को ज्यादा फ्रीडम मिलता है बट बाय द वे गाइज रोमेो है जबकि वो एक वाइड आउटलेट होते हैं जो दूर से गोल स्कोर कर सकते हैं और आज भी वो करीब थे फ्रेंकी डिओंग इज एप्सोलिटली बॉलर आई रियली रियली होप के बाद फैन जो है जितने भी फैन बेस है कोई एक बंदा भी ना हो जो कि आप फ्रेंकी डियग को बाहर भेजने के चक्कर में हो ही अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर इज अ बॉलर जो हम गुंडोग को लाए जिसके लिए लेके आए हैं एक्सपीरियंस थ्रू बॉल्स एप्सोलूटली ब्रिलियंट वो फाटी को वो जो लेमन डॉस की और वो फ्रेंकी का गोल था उसके अंदर भी आप गुंडो का पास देख लेकें uh, इतनी मेोरिटी है उनके पास ऑब्वियसली वो येलो कार्ड रेड कार्ड कभी का कभार हो जाता है बट वो स्कोर किया job, लड़ते हैं मरते हैं हंड्रेड परसेंट देते हैं दिस इज वट वी नीड दिस इज वट ई नीड ही लमीन जमाल भाई वट अब नेक्स्ट गोल्डन बॉय मैं हाइप नहीं कर रहा लोग कह रहे हैं उनको आप स्टार्ट ना कराओ बर्डन ना डालो भाई क्यों ना डालो बाल्डे ने बर्डन लिया गावी ने बर्डन लिया पेडरी ने बर्डन लिया जिसने लेना होता वो ले लेते हैं जिसने नहीं लेना होता वो चार साल तक लगे रहते हैं वो छह साल तक लगे रहते हैं उनको कुछ बर्डन कभी भी नहीं ले पाते वो आई नो आपको केयरफुल रहना है कि इंजरी ना हो लेकिन आपको ट्रस्ट करना है और ही वॉज एब्सल्यूटली बॉलिंग और यहाँ पे लमीन यमाल से फाटी को को सीखने की जरूरत है कि आपको गोल जरूरी नहीं होता हेडलाइंस एवरीवेयर स्टैंडिंग ओवेशन फॉर लमीन यमाल क्यों बिकॉज ही प्लेड फॉर द टीम ठीक है असिस्ट दो हुए या एक कर ले दूसरा शायद काउंट ना हो गोल नहीं हुआ पोस्ट हुई दो बार बट ही वॉज ब्रिलियंट ही वॉज डूइंग समथिंग ही वॉज एब्सोल्यूटली डूइंग एवरीथिंग ऑन द पिच फॉर द टीम दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग ओवेशन एवेशन सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एज

फाटी अगेन सेम ऑब्जर्वेशन अब लोग वो बात वही कह रहे हैं जो मैं पहले दो मैचेस से या प्री सीजन में कह रहा हूं कि भाई फाटी ग्लेम से शो कर रहे हैं बट ही इज प्लेइंग सेल्फिश यू कैन नॉट सर्वाइव इन एफसी सी टीम अगर आप सेल्फिश खेलते रहेंगे सिंपल सी बात है भाई ये मैं समझा रहा हूँ लमीन यमाल फेरन टोरस एक अच्छा असिस्ट भी आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है एक अच्छा गेम प्ले भी आपको कॉन्फिडेंस दे सकता है सारी दुनिया बात करेगी लेकिन अगर आप पूरे मैच में हकते रहेंगे और उसके बाद गोल भी स्कोर नहीं करेंगे सेल्फिश होने के बाद तो फिर पूरी दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी आई वॉन्ट 42 मतलब वो आगे बढ़ें अच्छा करें मैं चाहता हूँ लेकिन भाई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं आप खुद नहीं ले रहे फिर ये मत कहें उनके और उनके फैंस के भाई उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते ये नहीं होता अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना फैन ग्रैप कर रहे हैं सोलह साल का लड़का ग्रैप कर रहा है तो फाटी क्यों नहीं ग्रैप कर पा रहा लम... फरमीन लोपस वॉज अगेन ब्रिलियंट अगेन अगे अनदर एग्जाम्पल फॉर फार्टी कि दस पंद्रह मिनट के अंदर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें ठीक है अगर आप टीम के लिए कुछ करना चाहें तो गाइज ये थी

स के फाटी का क्या फ्यूचर होगा ये हमको नहीं पता लेकिन बारसोना आई थिंक एनसेलोर फिलिक्स के लिए ट्राई कर ये एक किसी और वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे क्या फाटी को जाना चाहिए या फिलिक्स को आना चाहिए बट अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग द गेम वेरी इंपॉर्टेंट थ्री पॉइंट इन दमेंट से गुड बाय फॉर मीस बार्स ऑफ फोर थ्री